मोबाइल से बच्चे को कैसे दूर रखें, यही आज का टॉपिक है। बहुत पेरेंट्स कमेंट करते हैं कि पहले तो बच्चा लॉकडाउन का पहले तो मोबाइल देखता था, बट अभी लॉकडाउन में सभी बच्चा घर में है तो उसका मोबाइल देखने का जो ड्यूरेशन है वो बहुत इंक्रीज कर गया है। इसीलिए आज कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाले हैं जो फॉलो करके आपका बच्चे का मोबाइल देखने का ड्यूरेशन 90% से 95% कम हो जाएगा। एंड उसके साथ साथ अमेरिकन पेडियाट्रिक एसोसिएशन का हिसाब से कितना टाइम तक बच्चे को मोबाइल देखना सेफ है वो भी हम डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल होने वाला है, इसीलिए बिना स्किप के लास्ट तक जुड़े रहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आइए मेन टॉपिक के तरफ, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। आप मोबाइल अगर बच्चा फिजिकली नहीं देखेगा तो मोबाइल देखने का जिद नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा मोबाइल ना देखे तो सबसे पहले आपको उसका सामने अननेसेसरी मोबाइल नहीं देखना है, क्योंकि हम पेरेंट्स लोग उसके लिए रोल मॉडल है। हम लोग जो काम करते हैं वो उसी को फॉलो करते हैं। ओके, नेक्स्ट है नो मोबाइल बिफोर स्लीप। सोने से पहले मोबाइल नहीं, ये बच्चे के लिए नहीं, हम पेरेंट्स लोगों के लिए भी एप्लीकेबल है। आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इंडियन न्यूरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट का हिसाब से आपका बच्चा मैक्सिमम टाइम मोबाइल इसीलिए देखते हैं क्योंकि उसके पास करने के लिए दूसरा ऑप्शन नहीं है। मतलब मोबाइल नहीं है तो क्या करे, इसीलिए बच्चे का तो ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है, उसको इनपुट कुछ देना चाहिए, उसका ब्रेन सभी टाइम नया कुछ ढूंढना चाहते हैं। इसीलिए ऐसे कुछ एक्टिविटी कराइए जिसमें उसका सचमुच ब्रेन डेवलपमेंट हो। ऐसे बहुत एक्टिविटी इस चैनल का डिफरेंट एपिसोड में हम डिस्कस किए हैं, वो जाकर प्लीज प्लेलिस्ट देखकर एक बार चेक कर लीजिए, आपका बच्चे का एज का हिसाब से वो आपको फायदा मिलेगा। नेक्स्ट टिप्स है, मोबाइल देखने से आपका बच्चा अनसोशल बन जाते हैं, सोसाइटी के साथ मिलजुल के रहना नहीं सीखते हैं, उसका डिफरेंट टाइप ऑफ मेंटल डिजीज आ जाते हैं, आंखों का नंबर आ जाता है। अगर ये सब आप नहीं चाहते तो बच्चे को कुछ एक्टिविटी कराइए, फिजिकल एक्टिविटी कराइए जिसमें उसको थकान आएगा और सोने का टाइम वो मोबाइल नहीं देखेगा, ऐसे ही टायर्ड रहेगा तो आराम से सो जाएगा। नेक्स्ट नो मीन्स नो। अगर आप डिसीजन लिया है कि आप बच्चे को मोबाइल देखना नहीं देंगे, मतलब नहीं देंगे। एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आपको बता देते हैं कि फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़ा बड़ा कंपनी में जो एम्प्लॉय लोग काम करते हैं उसका 75 से 80% लोगों का घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं है। क्या वो एफोर्ड नहीं कर पाते हैं? क्या उसके पास उसके लिए पैसा नहीं है? बट वो भी जानते हैं कि इसका प्रॉब्लम क्या होते हैं, इस बच्चे का ऊपर क्या असर पड़ सकते हैं। इवन स्टीव जॉब्स सर अपना बच्चे का 16 साल तक मोबाइल नहीं दिया। अगर इसमें इतना कुछ प्रॉब्लम है तो इतना कुछ जानने के बाद हमारा बच्चे को क्यों देंगे भाई। नेक्स्ट, बच्चे को मोबाइल देना एक रिवार्ड नहीं है। डोंट से कि तुम ये काम कर दो, तुम ये वर्कशीट कर दो, तुम ये होमवर्क खत्म करो, उसके बाद तुमको 10 मिनट के लिए आप मोबाइल देखने देंगे। डोंट से दिस। नेक्स्ट, खाने के टाइम बच्चे को मोबाइल मत दीजिए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं पेरेंट्स लोग कि बच्चे को खाने का टाइम उसको मोबाइल दिखा देते हैं, बच्चा मोबाइल पे घुस जाते हैं और हम खाना खिला देते हैं उस, तो हमारा तो टारगेट कंप्लीट हो गया है, बच्चा खा लिए है। बट इसमें प्रॉब्लम यही होते हैं कि बच्चे का ब्रेन डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, बॉडी को रॉन्ग मैसेज रॉन्ग सिग्नल मिलता है। एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक रूटीन सेट करिए बच्चे के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, हम मेरा बेटी के लिए ऐसे किए हैं, ये आप अपना हिसाब से चेंज कर सकते हैं कि मॉर्निंग में ऐसे टाइम उठना है, खाना है, पोटी जाना है, वॉश करना है, ड्रेस करना है, रात में ऐसे 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 करना है, ये आप अपना हिसाब से चेंज कर लीजिए। तो इसमें क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आप सेट किए हैं कि नहाने के बाद 10 मिनट उसको मोबाइल देखना है, तो उसका ब्रेन का सॉफ्टवेयर भी धीरे धीरे इसको चेंज हो जाएगा और वो बाकी टाइम जो है उस मतलब पढ़ने का टाइम या सोने का टाइम मोबाइल नहीं देखेगा। अभी आपका मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि 10 या 15 मिनट तो ठीक है, बट मैक्सिमम कितने टाइम तक दिन में देखना बच्चे के लिए सेफ है? अमेरिकन पेडियाट्रिक एसोसिएशन का हिसाब से दिन में 30 मिनट्स, जितना कम हो सके उतना ही अच्छा है, 30 मिनट्स तक मोबाइल देखना बच्चे के लिए सेफ है। कोई भी हैबिट, कोई भी एडिक्शन एक दिन में चेंज नहीं हो सकता, बट ये ट्रिक्स एंड टिप्स
आप फॉलो करेंगे एंड आपका डेली बच्चे का डेली रूटीन में कुछ चेंजेस ले आएंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। मैं पर्सनली मेरे बेटी के लिए ये सब ट्रिक्स एंड टिप्स अप्लाई किए हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी कि उसके लिए हमको फायदा भी मिला है। लास्ट टू मंथ में वो जस्ट मैक्सिमम 10 से 15 मिनट्स तक मोबाइल देखे है। बट इट इज द टाइम फॉर यू बिकॉज योर चाइल्ड योर प्रायोरिटी। ओके फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपको अच्छे लगे। वीडियो अगर अच्छे लगे तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए एंड बहुत पेरेंट्स यही प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, उसको सोल्यूशन के लिए इसको थोड़ा शेयर कर दीजिए एंड अगर चैनल को अच्छे लगे, कुछ लग रहा है कुछ नया चीज आपको सीखने को मिला तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर वीडियोस। आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून, स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, वंदे मातरम।